मानव अधिकार संरक्षण परिषद द्वारा विश्व मानव अधिकार दिवस पर उज्जैन में गोष्ठी का आयोजन किया गया। उज्जैन दिनांक 10 दिसंबर 2019 को शाम 6:30 बजे टावर चौक फ्रीगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समीप मानव अधिकार संरक्षण परिषद के पदाधिकारी उपस्थित हुए। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का प्रारंभ किया गया एवं परिषद के पदाधिकारियों द्वारा विश्व मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में अंगतुक सदस्यों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई एवं मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर संगठन के संभागीय अध्यक्ष श्री हरेंद्र खत्री द्वारा बताया गया कि मानव अधिकार संरक्षण परिषद मध्य प्रदेश की उज्जैन इकाई द्वारा आज टॉवर चौक फ्रीगंज स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आगंतुक सदस्यों को मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी दी गई। चूंकि बाबा साहब ही मानव अधिकारों के जनक हैं, उन्होंने संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था दी गई, हमें समानता का अधिकार दिया गया, हमें जीने का अधिकार दिया गया, हमें धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, ऐसे कई अधिकार मानव अधिकार के रूप में प्रदान किए गए। तो उनको नमन करते हुए मानव अधिकार संरक्षण परिषद द्वारा आज यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया और गोष्ठी में यह प्रयास किया गया कि इस गोष्ठी के माध्यम से समस्त शहरवासियों एवं प्रदेशवासियों को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो और यह परिषद जहाँ जहाँ मौलिक अधिकारों का हनन होता है वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए एवं कराती भी है। और मैं इस परिषद के माध्यम से संभागीय अध्यक्ष होने के नाते यह विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी प्रदेश में मानव अधिकारों का हनन होगा मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा और मानव अधिकारों के प्रति संरक्षण प्रदान करूँगा। संरक्षण परिषद मध्य प्रदेश में सक्रिय होकर जहाँ जहाँ मानव अधिकारों का हनन होता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाता है। संगठन के संभागीय उपाध्यक्ष श्री बीएल चौहान द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि विश्व मानव अधिकार दिवस संपूर्ण विश्व में डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है, इसीलिए यह आयोजन बाबा साहेब की प्रतिमा के समीप किया गया। कार्यक्रम में संगठन के श्री मगेंद्र बोरिया, राजेंद्र परिगार, नरेश आठिया, गोपाल वरुण कर, अमन वर्मा, राम सोलंकी, सोहन सूर्यवंशी आदि लोग उपस्थित रहे। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। प्रोग्राम संगोष्ठी का रखा गया है जो कि हमारे मानव अधिकार संरक्षण परिषद के संभागीय अध्यक्ष हरेंद्र खत्री जी के नेतृत्व में एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें हम अजाक्स, अपाक्स एवं अन्य संस्थाएँ सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और संगोष्ठी का डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा के जो हैं इस मंच के जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ उपस्थित हैं और इस संगोष्ठी के माध्यम से हम सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को यह जानकारी देना चाहते हैं कि जो बाबा साहेब ने हमें मौलिक अधिकार दिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, सामाजिक समानता का अधिकार दिया, इन सबको हम अध्ययन करें, पढ़ें, शिक्षित हों और समाज को शिक्षित करें और आगे बढ़ें। राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में हम सहभागिता निभाएं, आगे बढ़ें और सबको सहयोग प्रदान करें और सबका सहयोग लें। धन्यवाद।